वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा देश में कांग्रेस ने की वंशवाद की शुरुआत। महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वंशवाद को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि देश की राजनीति में वंशवाद की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई है। पार्टी में मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद की शुरुआत कांग्रेस से हुई है, कांग्रेस के बाद ही ये परंपरा दूसरी पार्टियों तक पहुंची है। नीतीश के मुताबिक इस परंपरा पर रोक लगाने के बाद ही दूसरे लोगों को पार्टी और संगठन में बड़े पद मिल सकते हैं। ऐसे में राजनीति से वंशवाद का खत्म होना बेहद जरूरी है ताकि दूसरे लोग बड़े पदों पर बैठ सके। नीतीश ने कहा कि हम शुरू से ही राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए वंशवाद के मुद्दे पर कहा था कि भारत में अधिकतर पार्टियों के भीतर यही समस्या है, इसलिए सिर्फ हम पर ही मत जाइए। राहुल ने कहा था कि अखिलेश यादव डीएमके के स्टर्लिंग धूमल के बेटे, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन भी डायनेस्ट हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं। बकौल राहुल, कांग्रेस पार्टी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो वंशवाद की देन नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परदादा, दादा, दादी या पिता राजनीति में रहे हैं। राहुल ने कहा कि अहम ये नहीं है कि कौन परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि जो शख्स है क्या वो सक्षम और संवेदनशील है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर बहस शुरू हुई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ये मुद्दा हावी हो चुका है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इंडिया न्यूज़ बैरल की रिपोर्ट।